फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम 32 इंच चेस्ट साइज के लिए 3 पीस वाला प्रिंसेस कट का ब्लाउज कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 पेपर ले लिए हैं, और पेपर एक जो है वो सिंगल पेपर है यहाँ पर, और दूसरा जो मैंने लिया है इसे मैंने डबल लिया है। मतलब ये डबल फोल्ड है, एक साइड से इसकी खुली साइड है और एक साइड से इसकी बंद साइड है। तो ऐसे 2 पेपर मैंने लिए हैं। अब 3 पीस का प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करना है तो एक तरफ से वो पूरी तरह से बंद होता है, और हुक पट्टी लुक पट्टी दोनों भी होती है, वो बैक साइड में होती है। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे और इसके बाद करेंगे फ्रंट की कटिंग। तो बैक की कटिंग हम सिंगल पेपर पर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर ले लिया है, और सबसे पहले हम 32 चेस्ट साइज़ के लिए गले की चौड़ाई नापते हैं। तो गले की चौड़ाई यहाँ पर मैं रख रही हूँ 2.5 इंच, और शोल्डर पट्टी जो है इसको मैं रखूँगी 3 इंचेस। अब यहाँ पर हम आर्म होल गिनते हैं। आर्म होल को आप 5.5 मतलब 5.5 इंच भी रख सकते हैं और 6 भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 6 इंच रख रही हूँ। 6 इंच पर मार्किंग कर ली और इसे हमने इस तरह से जोड़ लिया। ये नॉर्मली इस तरह से आर्म होल हम जोड़ लेंगे। इसके बाद हमें इसकी हाइट गिननी है। तो हाइट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा आप जैसे भी चाहे ऐसी इसकी हाइट रख सकते हैं। अगर आपकी जो भी हाइट हो, सपोज़ आपकी हाइट अगर 14 इंच है, मतलब 14 इंच, तो आप इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा मिला लीजिए तो ये पूरी हो जा रही है 15 इंचेस। और अगर आपकी हाइट 15 इंचेस है तो आप इसको रखिए 16 इंचेस, मतलब 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो अब जहाँ पर भी हमने आर्म होल गिना है और ये निशान लगाया है, यहाँ पर हम टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे, और यहाँ पर हम 32 का फोर्थ भाग गिन लेंगे। तो यहाँ पर 8 इंचेस 32 का फोर्थ भाग हो रहा है, 8 इंच, और इसमें हम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मिलाते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच मिला रही हूँ, तो ये हो रहा है 9.5 इंच। अब 9.5 को यहाँ पर मार्क कर लिया, और जहाँ पर हमने हाइट गिनी है यहाँ पर भी हम 9.5 पर मार्किंग कर लेंगे। तो ये रहा 9.5 पर, मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है, और अब जो है ये मार्किंग हम जोड़ लेंगे। तो इस तरह से आप बिल्कुल सीधे ये मार्किंग जोड़ लीजिए, यहाँ से भी हम सीधे जोड़ेंगे। अब हमारी कमर की जो हिस्सा होता है, हम जहाँ पर भी लास्ट वाला बटन लगाते हैं पेट के पास, ये हमारे चेस्ट साइज़ के हिस्से से 1.5 इंच कम होता है। तो यहाँ पर मैं 1 इंच कम ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप लीजिए, या फिर आप इसे बाद में भी एक्स्ट्रा जब ये कपड़ा बच जाता है तब भी आप अगर इसे कट कर लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमें ये तिरछा निशान लगाना है 1 इंच पर। और अब इसका आर्म होल गिनते हैं। तो मैं आर्म होल गिन रही हूँ 1 इंच अंदर, ये बैक साइड का आर्म होल है, और अब इसे हम गोलाई दे देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये गोलाई देनी है बैक साइड के आर्म होल में। तो ये बैक साइड हमने पूरी मेजर कर ली है, अब हम इसको कट करते हैं। तो कट हम जैसे हमने मार्किंग करी है बस ऐसे ही हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे भी मार्किंग करी थी हमने ऐसे ही हमने इसे कट कर लिया है, और अब बैक साइड का हिस्से को हम कम्प्लीटली अलग कर लेंगे। अब हमें गिनना है फ्रंट साइड का हिस्सा। तो फिर से एक बार टेप को मेजर करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखूँगी, 3 इंचेस मैं रखूँगी इसकी शोल्डर पट्टी, 6 इंच का रखेंगे आर्म होल, आर्म होल को जोड़ेंगे। बंद साइड हमें हमारे उल्टे हाथ की तरफ से रखनी है, और खुले हाथ और सीधे हाथ से जो है वो खुली साइड रखनी है। फिर से एक बार यहाँ पर हाइट नाप लेंगे। अब हमने बैक साइड में 15 इंच की हाइट रखी थी, तो यहाँ पर हमें 15.5 इंच मतलब 1/2 इंच बढ़ानी है। फ्रंट साइड जब भी हम क्रॉस पट्टी निकालते हैं तब कम हो जाती है, तो इसीलिए 1/2 इंच जो है वो हम एक्स्ट्रा रखेंगे। तो यहाँ पर मैं 15.5 पर मार्किंग कर रही हूँ। फिर से एक बार जहाँ पर आर्म होल गिना है हमने, यहाँ पर टेप को बिल्कुल सीधा रखेंगे, और 32 का फोर्थ भाग मतलब 8 इंचेस ले लेंगे, और इसमें मिला लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा मतलब 9.5 इंच। फिर से 15.5 पर जहाँ पर हमने मार्किंग करी है 15.5 इंच पर, यहाँ पर भी हम मिला लेंगे 9.5 इंच। और फिर से एक बार इसे जोड़ेंगे। यहाँ से भी जोड़ लेंगे सीधे। तो हमारी कमर का हिस्सा 1 इंच कम रहता है, तो यहाँ पर 1 इंच कम ले लेंगे। फिर से यहाँ पर भी एक बार मार्किंग करेंगे।
और ये जो साइड है इसको हम जोड़ेंगे तिरछा बिल्कुल। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हमने आर्मोल जो है बैक साइड का वो एक इंच अंदर रखा था, तो फ्रंट साइड का जो आर्मोल है इसको हम रखेंगे हाफ इंच अंदर। हाफ इंच पर एक बार मार्किंग करेंगे और अब इसे फिर से एक बार गोलाई में जोड़ देंगे। अब ये फ्रंट साइड का आर्मोल है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बाहर की ओर झुका कर जोड़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब जो क्रॉस पट्टी है ये भी हमें निकालनी है, तो क्रॉस पट्टी को भी यहाँ से हम गिन लेंगे। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच और 3.5 इंच की क्रॉस पट्टी रख रही हूँ, मतलब 2.5 इंच और 3.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 2.5 पर मार्किंग कर ली है और यहाँ पर मैं कर रही हूँ 3.5 पर मार्किंग। एक बार फिर से कर लेंगे 2.5 पर भी मार्किंग। और ये जो 2.5 की हमने जो मार्किंग करी है इसको हम सीधे जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सीधा जोड़ लेना है। फिर से एक बार यहीं पर टेप रखेंगे और इसको हम 3 इंचेस नापेंगे, 3 इंच पर मार्क कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ से इसे तिरछा जोड़ेंगे, बिल्कुल गोलाई में जोड़ना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब हम गिन लेंगे सबसे पहले आगे का गला। तो आगे का गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसकी डीपनेस। तो यहाँ पर मैं इसे 6 इंच का रखूँगी आगे का गला। आप चाहे तो आप कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं। तो 6 पर मार्किंग कर लेंगे और इसे इस तरह से जोड़ेंगे। यहाँ से भी हमें 2.5 इंच बराबर से आ जाना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब 1 इंच अंदर रखेंगे, मार्किंग करेंगे 1 इंच पर और इसे दे देंगे गोलाई। अब यहाँ पर भी आप चाहें तो आप कोई भी इसमें शेप बना सकते हैं, जैसे आप इसको चौकोनी भी रख सकते हैं, पंचकोनी रख सकते हैं, आपको जो भी शेप चाहिए आप वो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर नॉर्मली गोल गला आपको बना कर दिखाया है। अब हम टक्स गिन लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है 3 पीस में एक ही टक्स लगता है, साइड में मतलब कोई भी टक्स नहीं रहता, बस एक टक्स हमें लगाना होता है। तो ये वाला टक्स जो है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपने जो ये 3 इंचेस गिना है इसका सेंटर पॉइंट ले लीजिए। तो ये हो रहा है 1.5 इंच पर, और 1.5 इंच पर जहाँ पर भी आपने गिना है इसको आप टेप को बिल्कुल सीधा रख ले, और जहाँ पर भी आपका टेप सीधा आ रहा है वहाँ पर एक मार्किंग करें। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर ली है। या तो फिर आप पट्टी पर सीधा टेप रख लीजिए और यहाँ पर 4 इंच पर या फिर 4.25 इंच पर आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 इंच का टक्स ले रही हूँ। ये देखिए 1.5 इंच को बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर रखना है और 1 इंच पर यहाँ मार्किंग करनी है, 1 इंच पर करनी है यहाँ मार्किंग। और ये जो टक्स है इसको हमें 2.5 इंच ऊपर लेना है। ये देखिए 2.5 इंच पर हमें इसको ऊपर लेना है, यहाँ तक बिल्कुल सीधे, और फिर इस तरह से ये टक्स लगने वाला है 1 इंच का टक्स। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। अब ये जो हमने 1 इंच का टक्स यहाँ पर ले रखा है, तो ये कपड़ा जो है यहाँ पर फोल्ड होने वाला है। तो यहाँ पर जो भी कपड़ा फोल्ड होगा ये कपड़ा यहाँ से कम हो जाएगा, जब भी यहाँ पर फोल्ड होगा तो यहाँ से ये कपड़ा कम हो जाएगा। तो हम ये जो कपड़ा है इसको यहाँ से बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पर 1 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ, ये देखिए, और इसको यहाँ से हम बढ़ाएंगे और तिरछा जोड़ेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमें ये जोड़ना है, जिससे कि आपको कपड़ा बिल्कुल भी कम ना हो आप जब भी इसकी सिलाई करो तब। तो फ्रेंड्स अब हमें कटिंग करनी है, जैसे भी हमने मार्किंग की है ऐसे ही हमें कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स जो भी एक्स्ट्रा पेपर था मैंने उसको हटा लिया है साइड में। अब हमें 1/2 इंच गिनना है जहाँ पर हमने आर्मोल गिना है। ये देखिए यहाँ पर हमने आर्मोल गिना है, यहाँ पर हमें गिनना है 1/2 इंच, और 1/2 इंच पर आप इस तरह से मार्किंग कर लें। और जहाँ पर आपने ये टक्स बनाया है इसको आपको तिरछा जोड़ना है। ये देखिए इस तरह से आप बिल्कुल धीरे धीरे इस तरह से ये तिरछा जोड़ें। तो इस तरह से हमें ये जोड़ लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स जहाँ पर भी हमने टक्स लगाया है इसको हमें बिल्कुल सीधा इस तरह से कट करना है, और फिर बाद में हमें ये जो साइड है इसको
आगे के गले को भी आप कट कर लीजिए, आपका जो भी शेप बन रहा हो। अगर आपका गोल शेप है तो गोल आई में आप कट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ये कट कर लेना है। और ये जो है ये हमारा आगे वाला हिस्सा हो गया। ये देखिए यहाँ पर जो आती है ये बन साइड है, क्योंकि इसके हुक लुक जो पट्टी बनती है ये बैक साइड में बनती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये थ्री पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग जो है ये पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर जो ये इसका क्रॉस पट्टी वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये देखिए इस तरह से। और ये जो टक्स होता है इसे अभी मैंने कट नहीं किया है, आप जब भी इसे सील ले पूरी तरह से तो आप ये दोनों साइड के जो कॉर्नर्स होते हैं इन्हें कट करके हटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से बने रहिए मेरे चैनल पर। सो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को मेरी पूरा देखने के लिए, और आप जो इंपॉर्टेंट टाइम हमेशा मुझे देते रहते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच।